अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को काजल के बारे में बताने जा रही हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कौन सा काजल यूज़ करें, कौन सा ना करें, कौन सा लॉन्ग लास्टिंग है, कौन सा ज़्यादा काजल जो होते हैं वो फैल जाते हैं स्किन के ऊपर। तो आज मैं आप लोगों को एक काजल के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने तो इस्तेमाल किया, मुझे तो अच्छा लगा, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बी क्यूट का आईलाइनर है, इसके साथ ब्रश भी मिलता है और ये जेल आईलाइनर है। इसके ऊपर वैसे मेंशन है ये कि वाटरप्रूफ है, पर मुझे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन ये लगाने में अच्छा रहता है। जैसे किसी फंक्शन पे जाना हो, शादी पे जाना हो, उस पे लगाने के लिए ये बहुत बेस्ट रहता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे इसको लगाया जाता है। और मैंने कुछ लोगों को देखा है वो इसको वाटर के साथ लगाते हैं, तो इसमें वाटर यूज़ नहीं होता, वो दूसरा काजल होता है जिसमें जिसमें वाटर यूज़ होता है। मैं आपको उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी दूंगी, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। ये वाटर के बिना लगता है। जो लोग इसमें वाटर को यूज़ करते हैं वो ना करें। और हाँ, अगर ये कभी ड्राई होने लग जाए ना, तो इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल देना, उससे ये फिर से अपनी रियल शक्ल में आ जाता है। ओके गाइस, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।